हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी सेंट्रल। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है, कहाँ इसका यूज किया जाता है और इसके तीन टाइप्स क्या है, जिसमें से सिंगल सैम्पलिंग प्लान, डबल सैम्पलिंग प्लान और मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान, ये तीन टाइप्स हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात की एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग होता क्या है। किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर जो है, तो उसमें से हम किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्ट आउटपुट देते हैं तो क्या होता है कि हमको लास्ट स्टेज में उनकी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। सपोज मान लीजिए आप बिस्किट की आपकी कंपनी है और उस बिस्किट कंपनी में आपको पूरा पैकेज होने के बाद आप उसकी टेस्टिंग तो जरूर करेंगे कि क्या उस बिस्किट की क्वालिटी मेंटेन हो रही है, उस बिस्किट का जो साइज था और जो उसकी डायमेंशंस थी वो सेम है या नहीं, या सही है नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट में एक जरूर टेस्ट करते हैं, एक इंस्पेक्शन किया जाता है। तो अगर मान लीजिए बिस्किट के पैकेट आपके पास 100 है या फिर 50 है, तब तो आप कर लेंगे, एक एक पैकेट को गिन सकते हैं, एक एक पैकेट का आप मेजरमेंट ले सकते हैं, जो भी उसकी आपकी एस्पेक्ट्स होंगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपके पास 1,00,000 बिस्किट का ऑर्डर आया है, तो आप 1,00,000 प्रोडक्ट को अगर एक एक बार, एक एक टाइम को, एक एक पैकेट को अगर आप वो करते रहे, तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो उस केस में आप क्या करते हैं, एक रैंडम टेस्टिंग करते हैं, उसी को हम कहा जाता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ हम समझते हैं तीनों टाइप्स को, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमारा सैम्पलिंग प्लान किस तरीके से काम करता है। सपोज मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा लॉट था, उस लॉट में आपके पास 1,000 बिस्किट के पैकेट्स थे, 1,000 बिस्किट के पैकेट थे। अब एक एक पैकेट को तो आप इंस्पेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि टाइम वेस्ट भी ज्यादा होगा और तथा आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा, और आपको जल्दी से जल्दी डिलीवर्ड करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक रैंडम टेस्टिंग करते हैं। अगर उसमें से 1,000 पैकेट में से मान लीजिए मैंने एक छोटा सा सैंपल निकाला, यानी कि एक छोटा सा सैंपल निकालना रैंडमली, और उस सैंपल में मान लीजिए कि 1,000 में से 50 पैकेट थे। अब मेरी एक क्राइटेरिया आई, एक कंडीशन आई कि इस 50 पैकेट में अगर मान लीजिए 10 पैकेट बिस्किट अगर गलत है, अगर इस 50 पैकेट में अगर मेरे 10 पीस पैकेट, यानी कि 10 पैकेट बोलिए, अगर वो गलत निकल जाते हैं, यानी कि क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसका डायमेंशन, उसका शेप जो भी, या उसकी जो पैकेट में बिस्किट, नंबर ऑफ बिस्किट्स थे वो कम है, तो ये सारी चीज़ 10 पैकेट गलत निकल जाते हैं, तब फिर मैं इस पूरे लॉट को कैंसिल कर दूंगा। कहने का मतलब यह था कि मान लीजिए आप कस्टमर आए मेरे पास, बोले सर मेरे को 1,000 पैकेट का बिस्किट चाहिए। मैंने एक बिस्किट का पैकेट उठाया, एक लॉट बड़ा सा, और उसमें से मैंने बोला ये लो आपके पास 1,000 पैकेट हैं, बट आपने बोला कि सर इस 1,000 पैकेट में क्या सारे ही पैकेट में बिस्किट बराबर क्वांटिटी पे हैं, क्या सारे ही पैकेट के बिस्किट का क्वालिटी मेंटेन है, और क्या सारे ही पैकेट का बिस्किट का जो साइज, शेप है, ये डायमेंशन है, ये सेम है। तो मैंने बोला हम टेस्ट कर लेते हैं। तो आपने बोला कि आप 1,000 पैकेट को तो एक एक मत टेस्ट करिए, आप 50 पैकेट निकाल लीजिए, 50 पैकेट में अगर 10 पैकेट गलत है तब तो फिर मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। इन केस अगर आपके 9 पैकेट सही हैं तो फिर मैं पूरा का पूरा 1,000 पैकेट स्वीकार कर लूंगा। तो ये होता है सिंगल सैम्पलिंग प्लान, कि किसी भी बड़े लॉट से हम छोटा सा सैंपल निकालते हैं रैंडमली, उस पर टेस्ट करते हैं, और आपकी एक क्राइटेरिया होती है, आपकी मीन्स एक कंपनी का, एक मैनेजमेंट का क्राइटेरिया होता है कि अगर 9 पैकेट सही निकलते हैं तो पूरे के पूरे लॉट को हम स्वीकार कर लेंगे, यानी कि एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज 10 या उससे ज़्यादा निकलता है तो फिर हम पूरे के पूरे पैकेट को हम उसको वापस से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेज देते हैं, या फिर ये हमारा डिफेक्ट्स कहलाता है। तो 10 डिफेक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है, 9 डिफेक्ट्स अगर रहा तो आप इसको स्वीकार कर लेंगे। दैट्स कॉल्ड अ सिंपल सैम्पलिंग प्लान, यानी कि इसमें हमने सिंगल तरीके से टेस्ट किया, एक ही बार में हमने रिजल्ट बता दिया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए यूजफुल है, ये हमारे लिए आगे डिस्पैच होगा या नहीं होगा। इसमें डिफेक्ट्स की आप रेशियो देख सकते हैं कि इस तरीके से एक एस्टिमेट रेशियो दिया जाता है। अगला टाइप है आपका डबल एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान। अब डबल एक्सेप्टेंस सैंपलिंग प्लान में क्या होता है, मान लीजिए हम यही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 1,000 का आपके पास लॉट था बड़ा सा, 1,000 में आपने एक पैकेट निकाला, 50 पैकेट इसमें थे, और इस 50 पैकेट्स में आपने जो रिजल्ट निकल के आया वो आपका सपोज 8 निकल कर आया, ठीक। अब डबल सैंपलिंग प्लान में हो सकता है, यानी कि ये हमारा डबल, दो बार हम इस पर टेस्ट करते हैं। डबल सैंपलिंग प्लान में हो सकता है आपकी क्राइटेरिया रही हो 7 हो रही होगी, अगर 7 प्रोडक्ट हमारे सही रहे तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे, अगर 8 हमारा डिफेक्ट्स निकलता है, अगर 8 डिफेक्ट निकलता है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा। बट फिर भी आप ये निकलने के बाद आप सेटिस्फाई नहीं है कि 7 प्रोडक्ट को मैं डिक्लाइन करूं या उसको एक्सेप्ट करूं, 7 प्रोडक्ट को मैं स्वीकार करके आगे डिस्पैच कर दूं, या फिर मैं इसको पूरे के पूरे लॉट को कैंसिल कर दूं, आप कंफ्यूजन में हैं,
तो हम एक और लॉट पकड़ते हैं, एक दूसरा लॉट पकड़ते हैं 1000 पैकेट का, इसमें भी हम एक फिर से रैंडम सैंपल उठाते हैं और इस रैंडम सैंपल में से भी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो सपोज मान लीजिए आपके पास यहाँ पे इस बार 6 निकल कर आया। अब ये यहाँ पे टोटल 6 डिफेक्ट ये था, यहाँ पे आपके पास 8 डिफेक्ट ये था, 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। अब इस 14 डिफेक्ट के आधार पे अब आप ये निर्णय करेंगे कि मुझे इस 1000 सैंपल को स्वीकार करना है या नहीं करना है। अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास 2 सैंपल थे, एक था आपके पास N1 और यहाँ पे ये था N2, लेकिन आपके पास 2 डिफेक्ट्स आए तो वो थे आपके C1 और ये C2। तो इस दोनों के डिफेक्ट्स को आप कंपेयर करके ये निर्णय लेंगे कि इस सैंपल को हमको लेना है या फिर नहीं लेना है। तो ये था डबल सैंपलिंग प्लान। एक बार में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो फिर हम उसको दोबारा से ही सैंपल किया जाता है सेम प्रोसीजर को अपनाते हुए। लास्ट आता है मल्टीपल सैंपलिंग प्लान, यानी कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत सारे आपके पास लॉट हो सकते हैं और इन लॉट में से आपको अलग अलग बार आप इसकी सैंपलिंग करेंगे। एक बार यहाँ पे सैंपल 1 निकालेंगे, फिर यहाँ पे सैंपल 2 निकालेंगे, फिर यहाँ पे सैंपल 3 निकालेंगे, इसी तरीके से आप चलते रहेंगे, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आपको वहाँ पे टेस्टिंग करनी है और उसके बाद उन पूरे जो भी आपके डिफेक्ट्स आएंगे उसके आधार पर आप ये निर्णय लेंगे, ये डिसीजन लेंगे कि हमको ये सैंपल को एक्सेप्ट करना है या फिर इसको हमको रिजेक्ट कर देना है इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्ट्स। तो ये तो था आपका एक्सेप्टेंस सैंपलिंग और जिसमें हमने सिंगल डबल और मल्टीपल पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग और कोई आपको वीडियो चाहिए तो फिर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अगले बाद अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है हमारा एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल, AQL जिसको कहा जाता है। तो ये हमारे जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तब तक के लिए शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय।